हाय गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा, हम हैवलॉक आइलैंड पहुंच गए थे। सो गाइस, अभी हम चेक इन कर रहे हैं सिल्वर सैंड बीच रिजॉर्ट, जहां हम नेक्स्ट 3 डेज रहेंगे। और ये सामने है डाइनिंग एरिया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, एज सून एज आई सॉ दिस प्रॉपर्टी आई वॉज लाइक वाओ। एंड दिस इज आवर कॉटेज। काफी नीट एंड क्लीन है एंड इट्स क्वाइट स्पेशियस। ये एक और ओपन डाइनिंग एरिया है। इसके साथ ही चिल्ड्रन प्ले एरिया और स्विमिंग पूल भी है, बट द बेस्ट पार्ट इज दे हैव देयर प्राइवेट बीच। Wow, it's just beautiful. Havelock Island. We are going to Radhanagar Beach now. Let's enjoy. So guys, जैसे कि आपने देखा, हमने एक बाइक रेंट पे ली और अभी हम राधानगर बीच पहुंच गए हैं। यहाँ पे बाइक्स काफी इजीली मिल जाते हैं एंड इट्स अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अब बात करते हैं राधानगर बीच की। एंड आई हैव हर्ड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन एशिया। Wow, it's actually very beautiful. So guys, हमने काफी लोगों से पूछा कि यहाँ पे खाना कहाँ अच्छा मिलता है। तो काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया दिस रेस्टोरेंट विच इज़ कॉल्ड समथिंग डिफरेंट। एंड एज यू कैन सी, इट्स अ वेरी नाइस एंड प्लेजेंट रेस्टोरेंट। एंड इट वॉज ट्रू, यहाँ का खाना काफी अच्छा लगा हमें। और उन्होंने हमारी एक पिक्चर क्लिक की और इमीडिएटली प्रिंट करके दी। और उस दिन मेरा बर्थडे भी था, सो दैट वाज क्वाइट स्पेशल। Happy birthday to you.
तो ये था मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन और अभी हम डिनर कर रहे हैं हमारे रिजॉर्ट के ही रेस्टोरेंट में। तो ये है स्मोकिंग हॉट वेज सिजलर और ये है पिंक सॉस पास्ता एंड आई मस्ट से यहाँ का फूड भी काफी अच्छा है। और अभी हम आए हैं एलिफेंट बीच और यहाँ पहुँचने के लिए मेन पॉइंट से टिकट लेनी पड़ती है एंड विद इन 15-20 मिनट स्पीड बोट से हम यहाँ पहुँच जाएंगे। सो बेसिकली इस बीच पे आप वाटर एक्टिविटीज कर सकते हो पर क्योंकि हम युवान के साथ ट्रैवल करते हैं तो बेबीज के लिए सबसे बेस्ट वाटर एक्टिविटी हमें लगी सबमरीन, क्योंकि ये सबमरीन फुली क्लोज्ड है तो यू डोंट हैव टू गेट वेट एंड यू कैन स्टिल एंजॉय द ब्यूटीफुल मरीन लाइफ। जो बड़ी बड़ी फिंगर जैसी देखेंगे वो फिंगर टाइप कोरल, ये सारे कोरल जो है ज्यादा डीप में फॉर्म नहीं होता। अच्छा, जहाँ तक सनलाइट सी बेड पे पहुँचते हैं वहीं पर फॉर्म होती है लाइन कोरल। Wow, isn't it beautiful? And guys, जो मैंने स्कूबा डाइविंग की है उसका मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, उसमें तो मरीन लाइफ बहुत ही अच्छे से कैप्चर हुई है। ये बीच एक्चुअल में बहुत सीनिक लगा मुझे और यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ के अलावा खाने के लिए भी बहुत कुछ है जैसे फ्रूट सैलेड, पापड़ी चाट, भेलपुरी, बट इट इज़ स्लाइटली कॉस्टली इवन द वाटर बॉटल्स, सो आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट कैरी योर वाटर बॉटल्स विथ यू। एंड ओवरऑल आई थॉट इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ओवर हियर। और आज हम डिनर करने फिर से समथिंग डिफरेंट आए हैं और आज का इंटेंशन है सी फूड ट्राई करना। सो वी ऑर्डर्ड स्पाइसी प्रॉन्स एंड व्हाइट सॉस लॉबस्टर एंड आई कांट वेट टू ट्राई इट। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं स्पाइसी प्रॉन्स एंड इट वॉज सो डिलीशियस, आई कांट टेल यू गाइज, आई जस्ट लव्ड इट। एंड फर्स्ट टाइम एवर मैं ट्राई कर रही हूँ लॉबस्टर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एज वेल। तो यहाँ के शेफ बता रहे थे कि ये जो आउटर शेल है ये एक्चुअल में ग्रीनिश कलर का होता है और वो इसे भी ग्रिल करते हैं एंड इट बिकम्स अ नाइस रेड कलर्ड। और अब बारी है इसे ट्राई करने की। एक्चुअली मैं थोड़ा कन्फ्यूज थी, जो प्रिपरेशन था वाइट सॉस में इट वॉज क्वाइट नाइस, बट बात करें एक्चुअल लॉबस्टर मीट की तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। और आज हम सुबह सुबह निकले हैं नील आइलैंड जाने के लिए और ये आ गई हमारी नॉटिका जिसके सारे डिटेल्स आप मेरे लास्ट ब्लॉग में देख सकते हो। सो गाइस अभी हम पहुँचे हैं नील आइलैंड और यहाँ का पानी तो और भी ज़्यादा गहरा नीला है एंड इट्स जस्ट वाओ। सो नेक्स्ट ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नील आइलैंड, सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।